YouTube पे टैग करने से क्या होगा? क्या YouTube पे टैग करने से व्यूज मिलते हैं? क्या टैग हमें यूज करना चाहिए? क्या YouTube पे सभी लोग टैग कर सकते हैं? ये फीचर्स कब एनेबल होगा हमारे चैनल पे? इन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो पे मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहला सवाल, YouTube पे टैग करने से क्या होगा? देखिए, जब भी हम किसी बड़े क्रिएटर को टैग करते हैं YouTube पे, तो उस पर डायरेक्ट नोटिफिकेशन एक जाता है उस क्रिएटर के पास। अगर आप जो वीडियो बना रहे हो उस क्रिएटर के बारे में, तब आप टैग कर सकते हो, वरना टैग करने का कोई यूज़ नहीं है। अब मान के चलो आपने किसी को टैग किया, फॉर एग्जांपल आपने टैग किया टेक्निकल गुरुजी को। अब टेक्निकल गुरुजी के पास बहुत सारे फैंस हैं, बहुत बड़ी फॉलोवर हैं उनकी, तो उनके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन दिन भर आते रहते हैं, दिन भर बहुत सारे टैग्स के नोटिफिकेशन आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस के नोटिफिकेशन आते हैं। तो आप अगर उस केस में, टेक्निकल गुरुजी को टैग करते हो, तो उस तक तो ये नोटिफिकेशन जाएगा, लेकिन मे भी हो सकता है कि वो आपका वीडियो को देखे। लेकिन बड़े क्रिएटर्स के पास उतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि हज़ारों मेल्स, हज़ारों नोटिफिकेशंस, हज़ारों टैग्स उनके मोबाइल पे आते रहते हैं। ये आपका लक होगा कि अगर वो आपके, जो आपने मेंशन किया उनके बारे में, तो वो आपका टैग को देख लेते हैं। तो अब मान के चलो यही चीज़ आप स्मॉल क्रिएटर्स के साथ करते हो, मान के चलो जिसका 20K 30K फॉलोवर्स है या 15K फॉलोवर्स है, कम फॉलोवर्स है, केस में क्या होगा कि आपका चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो आपका जो मेंशन आपने उसको किया है, तो वो आपका वीडियोस देखे, क्योंकि ऐसे भी उनके मोबाइल पे कम नोटिफिकेशन आते हैं, वो एक बड़ा क्रिएटर है नहीं कभी, तो उनके पास मे भी टाइम हो कि आपका वो टैग या मेंशन जो आपने किया है वो आपका देख सके। टैग करने से एक चीज़ और होगा कि आप जिसको भी टैग करोगे, मान के चलो आपने टेक्निकल गुरु जी को टैग किया, तो उनका चैनल आपके वीडियो पे लिंक हो जाएगा। मतलब आप जब भी क्लिक करोगे या कोई भी क्लिक करेगा आपके वीडियोस पे वो टेक्निकल गुरु जी का टैग, तो वो सीधे उनके चैनल पे चला जाएगा। दूसरा सवाल, क्या टैग करने से व्यूज़ बढ़ते हैं? क्या टैग करने से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं? देखो, इसका सबसे सिंपल आंसर ये है कि आप टैग किसी भी क्रिएटर को करो चाहे नहीं करो, आपके व्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, YouTube ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यही लिखा है कि आप किसी को टैग करते हो बड़े क्रिएटर को, तो आपके चांसेस हैं कि उनके फैंस तक जाएं, ठीक है, लेकिन चांसेस ज़्यादा नहीं है, चांसेस बढ़ नहीं जाते हैं कि वो एकदम जाएंगे ही। अब YouTube यहाँ पे क्या कहता है, YouTube अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन करता है कि अगर कोई वीडियो किसी क्रिएटर को मेंशन है, तो उनके फैंस को वो शो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये YouTube के एल्गोरिथम पे डिपेंड है। वो यहाँ पे लिखते हैं इट मे शो अप टू योर फैंस, मे, यहाँ पे मे शब्द का इस्तेमाल किया है। YouTube ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि किसी को टैग करने से व्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपका व्यूज बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। क्या YouTube पे सभी लोग टैग कर सकते हैं? ये फीचर्स कब एनेबल होगा? तो इसका सबसे सिंपल आंसर है, YouTube पे सभी लोग नहीं कर सकते टैग। ये फीचर्स तभी एनेबल होगा जब आपके चैनल पे 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा। जी हाँ, 1000 सब्सक्राइबर जब आपके चैनल पे पूरे हो जाएंगे, तब ये आपका फीचर्स एनेबल हो जाएगा YouTube की तरफ से। तो गाइस, ये था YouTube टैग फीचर्स के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।